मुझे अपने धीरे की याद आती रहे। कचहरी लगी है और क्या काम करती है। अरे राज्य के मंत्री भैया, अंदर का और बाहर का कोई आना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अंदर का बाहर आ सकता है ना, बाहर का अंदर जा सकता है। अच्छी बात है मंत्री, ठीक है, आराम से पहरे लगा रहे हैं। हाय लड़ाई ले मास्टर, हाय लड़ाई ले महारानी का सबका आर्डर है, ना अंदर से कोई भीतर जा सकता है, ना भीतर का कोई बाहर आ सकता है। अगर हमको कोई इधर उधर उठाती बैठाती मिली वो जैसे पकड़ गोली पर गाने माती, आराम से चौकीदारी कर, आराम से। आराम से चौकीदारी करेंगे, और चौकीदारी करेंगे तो हमको अकेले सारा चय नहीं आएगा। अब हम खुश अरे कोने माँ बैठी मुसरिया मुसाऊ मंत्री है, नौकर माली, हाँ देख हमारा नाम है माली, अभियान है जगह खाली, अंत अपने चलाओ चले, हमें दुनिया लाओ झड़े ना पर वो चाहिए। माली भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो? हम
छुए। आप अगर रोते हो तो मुझे तरस आता है, अगर मगर आप रहना चाहते हो तो मेरी एक बात को शर्त है। कौन सा शर्त है? देखिए, बगीचा में रहना है तो आराम से, अगर कोई पूजा करने के वास्ते आए तो आराम से छुप जाना, मगर हमारी रोजी रोटी पे लात मत मारना। भैया क्या आप मुझे एक रेंड बसवा के मैं आपका काल बन सकता हूँ? इसी बात पे आपके बात पे हम विश्वास करते हैं। देखिए दोस्तों, भक्तों, कहानी के सुनने वाले, वहां पर देखती हंस मथी का उस बगीचा में सर्प लगा हुआ। एक रात जिस समय राजा प्रथम बगीचा में रुकते हैं तो कली कली पर भौरा झूलते हैं, और इधर देखिए माली क्या सूचना देता है हंसमती को। आगे की कहानी सुनिए। बड़े राव तीन बज गो बड़े राव गाड़ी देखिए इधर माली बगीचा में उस मुसाफिर को रोक लेता है, और आज कौन से काम होते हैं? जो वीडियो कर लो ना, अरे राज का मंत्री भैया माली कहिए, अब महल में कैसे आवन हुआ? महल में क्या आवन हुआ? तो मैंने सोचा कि बगीचा में साधु नींद लगन लगा थी, चली के टहली आवे एकदम। अरे बात क्या है? बात तो कुछ नहीं है, बात ना है ना। राज के मंत्री